ओके 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 ओ अरे ओके ना हिंदी में ना पूछिए हिंदी में शेयर पूछ लीजिए हिंदी में पूछिए सलमान खान के खिलाफ की है मैं विवेक ओबरॉय नहीं हूँ और मैं इंशाल्लाह सलमान खान को लेके जाऊँगा जो है ना उसको बहुत शौक है लोगों की बेइज्जती करने का और वहाँ पर बुलाकर कंटेस्टेंट को क्या करना मेरी रिपोर्ट निकालूंगा तू मेरी रिपोर्ट निकालेगा मैं तेरे को चैलेंज दे रहा तेरी रिपोर्ट तो हमारे पास है और ये मेरी बहन लड़ेगी और सुन ले तू तेरी मैंने इज्जत रखा कैमरे के ऊपर तूने पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत उतारा ना नल्ला डॉन मैं डॉन नहीं हूँ मैं डायरेक्टर हूँ और एजाज खान है ना लुक्का तो लीड में आया मेरी पिक्चर में तू साइड रोल में आया था फारूक शेख केस में उसका भाई बन के आया था तेरे को ओपन चैलेंज देता तेरे को जो करने का कर ले जुबैर खान के खिलाफ और जुबैर खान को और मेरी बहन लोग को हम लोग के घर के मर्द तो बाद में उतारूंगा तेरे खिलाफ पहले मेरी बहन लोग लड़ेंगे ना मैंने कहीं पे भी ये बोला कलर्स चैनल ने मेरी इमेज खराब करी कि मैं फलाना फलाना का दामाद हूँ मैं नाम नहीं लेता मेरा एक आर्टिकल छपा उसके बाद मेरी जिंदगी 2011 से बर्बाद हो गई मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ मैं अंडरकवर रिपोर्टिंग करता हूँ और मैं ये छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं जर्नलिज्म का हिस्सा हूँ और उनका पार्ट हूँ मैं सलमान खान के खिलाफ आखिर तक लड़ूंगा और जिस तरह कलर ने मेरी इमेज खराब करी है सलमान खान ने जो हरकत की है मैं उसके खिलाफ जाऊँ उसने मुझे धमकी दी तू कुत्ता बनाऊंगा कसम खुदा की तेरे को मारूंगा ये करूंगा वो करूंगा ये सारी कंप्लेंट है ये लोनावला पुलिस स्टेशन में भी फैक्ट्स हुई है अगर मैं सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता तो मुझे बिग बॉस हाउस से निकलने नहीं दिया जाता मेंटल टॉर्चर है वहाँ पर जितनी भी फालतू चीज़ें होती है वो की जा रही है उसके खिलाफ अगर जुबैर खान आवाज़ उठाता है तो वो लोग बोलते गाली दे रहा है भैया वो गाली के पहले क्या हुआ वो नहीं दिखा रहे आप लोग एक बोलते ना दूसरे की इज्जत उतार के आप पैसे कमा रहे हो तो मैं इसमें कुछ बोलना चाहूँगी कि बिग बॉस के अंदर जो रियलिटी शो जो बताया जा रहा है ये सरासर गलत बात है आपको दिन में दो बार लड़ने के लिए बोला जाता है दो बार आपको बोला जाता है कि आप खुद सामने से दूसरे को गाली दे और बोला जाता है कि आपका गाली का जो सेगमेंट है उसको काटा जाएगा लेकिन वो काटा नहीं जाता है यानी आपको नेगेटिव प्रोफाइल खुद बिग बॉस में बताया जाता है ताकि वो TRP बढ़ाया जाए और जिस तरीके से इनको गलत बताकर सलमान खान जो मुझे बोल रहा था ना कि औकात बता तेरी औकात बता देख भाई तूने कल मेरे दिल से खेला अब मैं तेरे दिमाग से खेलूंगा और तेरे को जितनी ताकत लगाना है जहाँ पे तेरे को पतंग उड़ानी है तेरे को कबूतर उड़ाना है सब उड़ा और अभी देख ले
केड़ा पठान क्या करता है, तेरे पास अल्लाह ने इज्जत दी, ताकत दी, शोहरत दी किसी को जलील करने के लिए। ज़ुबैर खान छोटा आदमी है लेकिन ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं करता जो तूने नेशनल टेलीविजन पे किया। नल्ला डॉन, मैं कोई डॉन वॉन नहीं है, एक आम आदमी की हट्टी है ना, तो क्या होता, तेरा स्टारडम कचरे के डब्बे में पड़ा रहेगा, वो देख तू। सलमान खान तेरे को ओपन चैलेंज है। लोग मुझे दाऊद के दामाद के नाम से जानते हैं, बाबा खान के भतीजे के नाम से जानते हैं, हसीना आपा के दामाद के नाम, असल जुबैर कौन है वो बताने में बिग बॉस में आ रहा हूँ। अरे नहीं हूँ, कहा मैंने बोला, मैंने ये बोला कि असली जुबैर कौन है वो बताने आ रहा हूँ। तो आप नेगेटिव लेके जा रहे हो उस चीज को, नेगेटिव क्यों लेके जा रहे हो? और उन्होंने मुझे डायलॉग दिए थे कि आपको ये 5-5 लाइन बोलनी है, मुझे पता ही नहीं उन लोगों ने क्या लाइन यूज की। आज मैंने आके शाम में देखा, मैं ऑलमोस्ट 17-18 घंटा अनकॉन्शियस था। इन लोग इतने अनह्यूमन है बिग बॉस वाले, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जब किसी पे मेंटल टॉर्चर होता है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और मुझे लाद के जैसा, ये सरासर गलत है। जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए ताकि वहाँ पे एमएलसी हो, एमएलसी होने से उसमें केस फाइल किया जाता है। बिग बॉस में वहाँ पे सरासर गलत किया गया है। बिग बॉस के ऊपर, इस चीज के ऊपर सेक्शन केस फाइल किया जाना चाहिए। सलमान खान के ऊपर केस फाइल होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने इनको मेंटली टॉर्चर किया है, पूरी दुनिया के सामने उसने मुझे बहुत कुछ कहा। मैं चाहता तो मैं उसको बहुत कुछ जवाब दे सकता था, मैं बहुत कुछ जवाब दे सकता नहीं, था। उसने कहा है कि बाहर आने के बाद में बताएगा, तो ये यही खड़ा है, मुझे भी देखना है कि क्या बताएगा, बताए। मैं सलमान को मुझे देखना है क्या बताएगा। तेरे को ऊपर से फोन आया इसलिए तेरी फटी ना, तेरे को ऊपर से फोन आया तो तेरी फट्टी नहीं, हमारी नहीं फट्टी भाई, समझा। मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ, वन मैन आर्मी, और हम लोग एड़े लोग है। ऊपर से मतलब किसको, किसका, जिसका नाम ले रहे। तो तू वहाँ का खास होगा, तू वहाँ का चमचा होगा, हम लोग चमचे नहीं, हम लोग देश का नमक खाते, हम गद्दारों के साथ नहीं है। हाँ सीधी सी बात है, अगर तेरे को दाऊद से फट्टी है, मेरी नहीं फट्टी भाई। हमको इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा है, पुलिस के ऊपर, इंडियन पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। और मुझे बोलता है कि तुझे बच्चे चाहिए तो पुलिस के पास जा। अबे तेरे को बच्चे का क्या मालूम, मेरे बच्चे के लिए मैं पुलिस और कोर्ट में क्यों जाऊँ। मैं अगर एक शो का हिस्सा लेके जहाँ पर मैं अपनी बीवी बच्चों को बोल सकूँ कि भाई मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आ जाओ वापस, तू कौन होता है भाई मेरे को बोलने वाला। हाँ तू शर्ट उतार के नाचता है तो तेरे को किसी ने बोला कि शर्ट उतार के नाच। मैं एजाज खान नहीं हूँ, मैं विवेक ओबरॉय नहीं हूँ जिनको तू कुछ भी बोल लेगा। मैं तेरी आखिर तक तेरी बजाते रहूंगा, मैं तेरी बजाऊंगा। तू मेरी रिपोर्ट निकाल रहा ना, तेरी रिपोर्ट तो बचपन से हमारे पास है। तू बोलता ना मैं डोंगरी का नाम खराब किया, तू फिल्म इंडस्ट्री का कचरा है, तू लोगों को घर पे बिठाता है, इतना सेडिस्ट आदमी है तू, लोगों को घर पे बिठाता है तू। तेरी औकात ये है, तेरी औकात ये है। जुबैर खान भूखा रहेगा ना उसको खाना खिलाएगा। तू बीइंग ह्यूमन की बात करता है, तूने अपनी इमेज है ना 2000 कार एक्सीडेंट के बाद चेंज की है। जब तेरे को बोला गया कि भाई तू बहुत बैड बॉय बन गया है तो तूने एक गुड इमेज बनाया। सब रिपोर्ट है हमारे पास, और बीइंग ह्यूमन के नाम पे तू क्या करता है, दिखावा करता है अंदर तो इंडस्ट्री में, क्या करता है कहाँ पे, कौन से भाई के पास जाता है, कौन सी हीरोइनों के साथ जाता है, सब मालूम है हमारे पास, सब रिपोर्ट है। मुझे बोलना है कि जो लेडीज को लाए, लेडीज हुआ आरसी, वो तो इतनी गंदी लेडीज है, कपड़े आधे आधे पहन के पूरा दिन ऐसे ही लड़के लोग ये करेंगे तो लड़के बोलेंगे नहीं, गुस्सा नहीं आएगा लड़के लोग। मुझे सलमान खान को यही बोलना कि आप ऐसी ऐसी लेडीज को लाते हो और खाने में थूकी, बोलते खाना में थूकी उसने, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा वो। तुम ऐसी ऐसी गंदी गंदी लेडीज लोग को लाते हो और लड़की कपड़ा पहनने का जिसको मालूम नहीं है, हाँ कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है। हम खुद लेडीज है और मुझे मालूम है लेडीज का क्या है, आप बोलो पैसा ये बोलना है तेरे को, किधर कुत्ता बनाने का। मैं चैलेंज देता हूँ, चल वहाँ आता हूँ बगैर बॉडीगार्ड के आना। नहीं नहीं, बॉडीगार्ड लेके भी आए चलेगा, मैं बैंड्रा में रहती हूँ, बैंड्रा में रहते हो, कुत्ता बना के बैंड्रा लेकर आ रही हूँ, बोलो किधर आना है। थैंक यू। कुत्ता बना के अब यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं, अरे इधर।